साढ़े 16 फुट गवर्नमेंट का रास्ता है जी, और चिटाला सीएम साहब से हमने लेगा ग्रांट करी और पक्की सड़क बनाई जी। और जी हमने ये पेड़ भी इसके सरसा वाले ने, शाहगुरमीत सिंह धनधन सतगुरु वाले ने लगाए जी। ठीक है जी, गवर्नमेंट का यो अपना रास्ता है, गवर्नमेंट के पेड़ है। जो हमारा जो सरपंच बनया, इस सरपंच बनने से पहले ये पेड़ खड़े थे जी। और ये पेड़ रातों रात ही पता नहीं कौन ले गया कौन ना ले गया, हमने इस बात का कोई खुलासा नहीं है, हम इस बात की। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, हम लोग गांव जटपुरा में हैं। इनका गांव वालों का ये कहना है कि यहाँ पे आप ये जो सरकारी निशान ये जो देख रहे हैं, ये एक सरकारी सड़क है, गवर्नमेंट की सड़क है। तो और ये सामने शमशान घाट का हम आपको गेट भी दिखा रहे हैं। तो ये शमशान को सड़क जाती है, मेन रोड से होते हुए ये शमशान को सड़क निकलती है। ये यहाँ से मेन रोड से होते हुए ये शमशान को सड़क निकलती है और ये एक सरकारी ज़मीन है, जो सरकारी सड़क है, गवर्नमेंट की ने इसको निकाला था, सड़क बनाया था शमशान को जाने के लिए। और इसके दोनों तरफ सफ़ेदे के पेड़ लगाए थे कि ताकि हरियाली हो। और अपने मोदी जी का भी नारा है कि पेड़ लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली आए, बीमारियाँ दूर हों, और सभी चाहते हैं प्रकृति में अच्छे पेड़ लगे। लेकिन यहाँ पे जैसे ही अभी पीछे इलेक्शन हुए जनवरी में, 24 जनवरी को, तो जब नए सरपंच बने, उससे पहले यहाँ पर पेड़ पौधे थे, गांव वालों का ये कहना है। लेकिन उसके बाद ना जाने एक भी यहाँ पर पेड़ नहीं है, सारे सफ़ेदे काट लिए गए। ये आपको हम दिखा रहे हैं, ये सारे एक एक सफ़ेदा आपको दिखा रहे हैं, काट लिया गया, यहाँ पे नहीं है। तो ये कहाँ गए गांव वाले, आज तक इसको अचंभे में है कि ये कौन काट के ले गया, कौन अज्ञात व्यक्ति इसको काट के ले गया। रातों रात इतने सारे सफ़ेदे के पेड़ काटना अपने आप में एक अचंभे की बात है। ये एक बहुत बड़ा खुलासा है। जो हम यहाँ पर पहुँचे तो गांव जटपुरा से इन्होंने, गांव वालों ने हमें फ़ोन किया कि आप मीडिया को फ़ोन किया, सत्य केसरी को फ़ोन किया कि आप यहाँ पर आएँ और सर इसका खुलासा करें। तो हम जैसे यहाँ पर पहुँचे, हमें भी देख के हैरानी होती है कि रातों रात इतने सारे पेड़ कैसे काट लिए गए। तो पूरे ऐसा लगता है कि जैसे तेज हथियार, जो भी उनका कोई ब्लेड होता है, जो भी कोई चीज़ होती है काटने वाली, उससे जड़ से ही ये साइड से ही काट दिया गया और पूरा का पूरा पेड़ उठा कर ले जाए ले गए। तो बहुत सारे पेड़ थे यहाँ पर सड़क के किनारे पे, ये लगे थे। ये बाबा राम रहीम की जो एक अभियान है कि पेड़ पौधा लगाना, तो उनके तहत ये पेड़ लगाए गए थे, इनकी संभाल की गई थी। ये बड़े हो गए थे, बहुत बड़े बड़े सफ़ेदे थे, लेकिन आज एक भी पेड़ यहाँ पर नज़र नहीं आता जी।